प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रतापगढ़ में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने कानपुर की घटना पर बयान देते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वही कानपुर में सपा के डेलीगेशन को पुलिस के रोके जाने के मामले पर कहा कि इस मामले को लेकर सपा राजनीति कर रही है। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैदान पर खड़े बच्चों से अनुरोध है कि कर्तव्य होने के साथ स्वागत करें, बहुत ही सुनहरा सांसद जी का स्वागत करेंगे। तो यूपी के प्रतापगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांसद खेल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का उद्घाटन और कानपुर मामले पर डिप्टी सीएम ने बयान भी दिया है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूं कर्तव्य ध्वनि बनती है। मैदान पर खड़े बच्चों से अनुरोध है कि कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें, बहुत ही सुनहरा। एक देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाला संगठन था, उसे प्रतिबंधित किया गया है। और अगर सिमी का ही ये बदला हुआ रूप था जिसने अनेक देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया है, तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो कह दिया उस पर मैं बयान दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का लाखन पासी के नाम पे नामकरण करने की बात की है। मुझे लगता है कि इस समय यह विषय नहीं है सवाल का। इस समय हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री संगम लाल गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, बहुत अच्छे बच्चों ने उसमें सहभाग किया है और उन बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मैं भी उन्हें शुभकामना देता हूं, आप सब लोग भी शुभकामना दें। प्रतापगढ़ के बच्चे देश और दुनिया का खेल हो तो उसमें पदक जीत करके प्रदेश के लिए लाऊं।